राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एनडीपीएस मामले के एक वांटेड आरोपी ने बाड़मेर एसपी के समक्ष पेश होकर आत्मसमर्पण किया है। एनडीपीएस मामले में वांटेड ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस की लगातार दबिश के चलते वांटेड आरोपी ने सोमवार शाम को एसपी के समक्ष सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एनडीपीएस मामलों के एक वांटेड आरोपी ने बाड़मेर एसपी के समक्ष पेश होकर आत्मसमर्पण कर दिया है। एनडीपीएस मामले में वांटेड यह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के लगातार दबिश के चलते वांटेड ने सोमवार शाम को एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के मुताबिक जिला पुलिस व डीएसटी टीम की ओर से पुलिस थाना अकोला जिला चित्तौड़गढ़ के एनडीपीएस एक्ट मामले में करीब 2 साल से फरार वांटेड आरोपी व डोडापोस्त तस्कर व हार्डकोर अपराधी वृद्धाराम की गैंग के सदस्य धनाराम को पकड़ने के लिए बार बार संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। इसी के फलस्वरूप पुलिस का दबाव होने से आरोपी धनाराम पुत्र उदाराम निवासी पोशाल पुलिस थाना बीजरा ने सोमवार शाम को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। धनाराम पुत्र उदाराम जाट निवासी पोशाल पुलिस थाना बीजरा जिला बाड़मेर जो श्रीमान एसपी साहब के समक्ष आत्मसमर्पण किया था दिन को, जिसको यहाँ धारा 170 BNHS में भी गिरफ्तार किया गया। इसके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो सीज की गई है। ये जिला चित्तौड़ में 3 प्रकरणों में एनडीपीएस में वांटेड है और ये यहाँ तस्करी में लंबे समय से लिप्त रहा है। इनामी है या चित्तौड़ वो चित्तौड़ पुलिस से संपर्क किया है हमने, वहाँ से और डिटेल लेकर मालूम किया जाएगा। तो सर पुलिस के दबाव में ये आत्मसमर्पण किया या फिर पुलिस बार बार रेड दे रही थी, चित्तौड़ पुलिस दे रही थी, हमारी डीएसटी दे रही थी, संबंधित थाना दी द्वारा इसके घर पे रेड दी जा रही थी, जिस पर इसने आज आत्मसमर्पण कर दिया। वांटेड आरोपी धनाराम के आत्मसमर्पण के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। कोतवाल लेखराज सियाग ने बताया कि आरोपी धनाराम को आत्मसमर्पण करने के बाद धारा 170 BNHS के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी को सीज किया गया। ये जिला चित्तौड़गढ़ में 3 मामलों में वांटेड है। आरोपी यहाँ पर मादक पदार्थ तस्करी में लंबे समय से लिप्त रहा है। इसके क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। लगातार दबिश के चलते आरोपी ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं इसकी सूचना चित्तौड़गढ़ पुलिस को भी भेज दी गई है।